हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है इस वीडियो में। आज हम इस वीडियो में अपने पाठ मन करता है का अभ्यास करेंगे, जो कि हमारी पाठ्यपुस्तक रिमझिम से लिया गया है। हम देखेंगे कि किस प्रकार से हमें प्रश्नों का उत्तर देना है और किस प्रकार से उनको समझना है। सबसे पहली बात क्या है, हम प्रश्नों को समझना सीख जाएं। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न है तुम्हारी बात। मैंने आपको पिछले वीडियो में बताया है कि जहाँ कहीं पर आप यह पेंसिल वाला निशान देखें तो इसका मतलब यह होता है कि इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर देना है। कुछ अभ्यास में ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका उत्तर आपको बातचीत करके देना होता है, कुछ ऐसे प्रश्न होते हैं जिनका आपको उत्तर एक्टिविटी के माध्यम से देना पड़ता है, आपको कुछ एक्टिविटी करनी पड़ती है। इस अभ्यास में भी कुछ ऐसे प्रश्न आएंगे जिसमें आपको कुछ एक्टिविटी करनी होगी। तो आइए देखते हैं पहला प्रश्न, तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है क्यों। अब तुम पर कौन कौन धौंस जमाता है, धौंस का मतलब होता है कोई आपको डराकर भय दिखाकर अपना काम करवा ले या अपनी बात मनवा ले, तो ऐसी चीज़ को धौंस जमाना बोलते हैं। ठीक है, तो घर में आप पर कौन धौंस जमाता है, घर में आप सोचिए आप पे कौन धौंस जमाता है, ऐसा आपके साथ करता है। उदाहरण के लिए एग्जाम्पल, आपका कोई बड़ा भाई है, वह आपसे डरा के अपना होमवर्क करवा रहा हो सकता है, ऐसा सोचिए। और अगला क्या है, स्कूल में अगर कोई बच्चा आपको डरा के कोई काम करा रहा हो तो उसका नाम सोचिए। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, अगर ऐसा बच्चा आपके साथ कोई कर रहा है आपकी क्लास में, तो तुरंत आप अपने क्लास टीचर को या सब्जेक्ट टीचर को बताएंगे, आपको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। ठीक है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन के आंसर के लिए आप सोचिए कि आप पर कौन धौंस जमाता है। अगला प्रश्न क्या है, मन करता है चिड़िया बनकर ची ची चू चू शोर मचाऊं, तुम्हारा मन कब चिड़िया बन जाने को करता है। अब आपका मन चिड़िया बन जाने को कब करता है, सोचिए और लिखिए कि आपका मन कब चिड़िया बन जाने को करता है। कब आपको लगता है कि मैं आसमान में पंख फैला के उड़ूं, कब लगता है मैं आसमान में पंख फैला कर जल्दी से वहां पहुंच जाऊं जहां मैं पहुंचना चाहता हूं। तो आप सोच के इस प्रश्न का उत्तर लिखिए। अगला प्रश्न है, कौन किस पर अकड़ जमाता होगा। अब अकड़ का मतलब होता है पावर, रूल, घमंड, कौन किस पे अकड़ दिखा रहा है, कहाँ दिखा रहा है, आसमान में। कविता में आपने इसे उदाहरण के लिए देखा, चांद तारों पे अकड़ दिखा रहा है, जंगल में जंगल का राजा शेर और जानवरों पे अकड़ दिखाता होगा, नदी में बड़ी मछली छोटी मछली पे अकड़ दिखाती होगी, खेल में कैप्टन दूसरे खिलाड़ियों पे अकड़ दिखाता होगा, स्कूल में हो सकता है क्लास मॉनिटर अकड़ जमाता हो बाकी स्टूडेंट्स पे, आप घर में आप पे कौन अकड़ दिखाता होगा, कौन अकड़ जमाता है। तो आप ये सोचिए और इनका उत्तर अपने हिसाब से लिखिए। ठीक है, इन प्रश्नों का उत्तर आपको लिख कर ही देना है। अब अगला प्रश्न है मूंछ, यह एक एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। तुम्हें तरह तरह की मूंछें देखी होंगी, सॉरी तुमने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी, आपने तरह तरह की मूंछें देखी होंगी, यहाँ तुम्हारे लिए एक मूंछ बनी है, कुछ मूंछें तुम भी बनाओ और सभी मूंछों को अपने मन से नाम दो। अब आपको यह मूंछ बनी है, इसका कोई नाम देना है। आपने रामायण देखी होगी, रामायण में राक्षस कौन था, कई राक्षस आपने देखे होंगे, रावण की मूंछ ऐसे देखें तो आप इनको रावण वाली मूंछें नाम दे सकते हैं, रावण मूंछ नाम रख सकते हैं इसका, रख सकते हैं ना। अच्छा, आप ये बताइए, आप ऑगी देखते हैं, ऑगी एंड कॉकरोचेस, उसमें ऑगी की कैसे मूछें होती हैं, आप देखिए इस प्रकार से मूछें होती हैं, दोस्त के बाल इधर ऐसे दूर दूर होते हैं और इधर उधर होते हैं, तो आप इसको ऑगी वाली मूछें भी लिख सकते हैं ना। आपने मारियो गेम खेला है, कभी ध्यान से देखा होगा मारियो करेक्टर होता है उसकी मूछें कैसी होती हैं, देखिए इस प्रकार से आपने देखा होगा उसकी मूछें होती हैं ऐसे ऐसे, इस प्रकार से उसकी मूछें ध्यान से देखिएगा, मारियो वाली मूछें, तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं मारियो वाली मूछें, है ना। अब आप सोचिए, अच्छी से अच्छी मूछ ड्रॉ करिए, क्रिएटिविटी, आप सोचिए कैसी कैसी मूछें हो सकती है, आप उनको अपना नाम दे सकते हैं। इसी के साथ आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न है पता करो। देखिए फिर से पेंसिल का निशान आ गया, यह प्रश्न भी आपको लिखकर करना है, यह आपको टेबल बनानी होगी। क्या है इसमें, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, तुम्हारे घर और स्कूल में किसका क्या करने का मन करता है, लिखो और अपनी सूची अपने साथियों से मिलाकर देखो। अब एक तरफ लिखना है नाम और एक तरफ लिखना है मन करता है। अब आप जैसे आपका कोई दोस्त है जिसका नाम राम है,
अब उसका मन क्या करता है, उसका मन करता है कि वह ट्रेन की तरह तेज से दौड़े, तो उसका मन क्या करता है कि वह ट्रेन की तरह तेज दौड़ना चाहता है, वह ट्रेन की तरह तेज दौड़ना चाहता है। इस प्रकार से आप बाकी नाम लिखिए और इस प्रकार से आपको यह टेबल पूरी करनी है। ठीक है, सोचिए और आप ये प्रश्न पूछ के भी कर सकते हैं। आप अपनी बहन से पूछिए आपका मन क्या करने के लिए कर रहा है, आप अपने पापा से पूछ सकते हैं आपका मन क्या करने को कहता है ना। ये प्रश्न तो बहुत ही सरल है, ये प्रश्न आप बहुत लंबा और बहुत अच्छी तरीके से कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं कि आप ये चार रोज़ ही बने, आप अपनी रोड़ को बढ़ा सकते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं इसी के साथ। अब ये एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन आ गया, चलो पतंग बनाएं। आपने पतंग उड़ाई है कभी? मैंने तो बहुत उड़ाई है बचपन में, पतंग उड़ाने में बहुत मज़ा आता है। लेकिन एक बात ध्यान रखिएगा, पतंग उड़ाते समय कभी भी हो सके तो छत पे पतंग मत उड़ाइए, क्योंकि वहाँ पे रिस्की होता है, आप गिर सकते हैं पतंग उड़ाने में। तो हमेशा हो सके तो मैदान में पतंग उड़ाइए, या तो अपने साथ किसी को रखिए, या तो अपने भाई को रखिए, पापा के साथ पतंग उड़ाइए, रेलिंग वाली छत पे पतंग उड़ाइए। और देखते हैं कि पतंग बनाते कैसे हैं। क्या चाहिए आपको सामान? तुम्हें चाहिए कोई पतला कागज, झाड़ू की तीलियाँ, गोंद, टेप, कैंची। क्या करना है आपको? कागज़ को चौकोर काटो, इस तरह से आप काट लीजिए चौकोर। चौकोर मतलब चारों उसकी जो आमने सामने की भुजा होगी, आर्म्स होगी, वो इक्वल होगी। फिर क्या करना है आपको? उसमें गोंद या टेप से दो तीलियाँ चिपका लो, जैसा चित्र में दिखाया गया है। अब आप इस प्रकार से तीलियाँ चिपका सकते हैं, ये देखिए इस प्रकार से आपको चिपकानी है। तीली के निचले हिस्से में पूंछ के लिए एक तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका दो, और आपको इस प्रकार से तिकोना टुकड़ा काटकर चिपका देना है, और आपकी पतंग तैयार हो गई। इसको सूखने के लिए रख दीजिए, फिर उसके बाद इसको आसमान में खूब ऊंचा उड़ाइए। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। सोचो और बताओ। अब आपको सोचना है और बताना है, क्या बताना है आइए देखते हैं। सूरज आसमान में दौड़ क्यों लगाता होगा? जरा सोचिए, सूरज आसमान में क्यों दौड़ लगाता है? सूरज सुबह सुबह किधर से उगता है? पूर्व दिशा से उगता है, ईस्ट साइड से उगता है। और किस साइड में छुपता जाके है? पश्चिम दिशा में छुपता जाके है। और इतना करने में वो क्या करता है? अपना प्रकाश फैलाता है। तो हो सकता है वो हर जगह अपना प्रकाश फैलाने के लिए आकाश में दौड़ता हो, रोशनी फैलाने के लिए आकाश में दौड़ता हो। आप इसका प्रश्न समझिए और इसका उत्तर अपने हिसाब से लिखिए। अगला प्रश्न क्या है? चिड़िया शोर क्यों मचाती होगी? चिड़िया शोर इसलिए मचाती होगी, वह भूखी होती होगी, या तो वह बहुत खुश होती होगी। आपको यह प्रश्न अपने हिसाब से लिखना है, सोचिए और अपने हिसाब से इसका उत्तर लिखिए। डोंट कॉपी मी, मुझे कॉपी करने की ज़रूरत नहीं है। सोचिए, चिड़िया को देखिए, कभी कभार चिड़िया खुशी में शोर मचा सकती है, कभी उसको भूख लगती है तब शोर मचाती है। अगला प्रश्न है, चंदा तारों पर क्यों उकड़ता होगा? चंद्रमा तारों पर क्यों उकड़ता होगा? जरा सोचिए, वह छोटे छोटे तारों से अधिक चमकता है इसीलिए उन पर अकड़ता होगा, या तो वह साइज में बड़ा है इसीलिए वह अकड़ता होगा। कोई भी आंसर हो सकता है आपके हिसाब से। दादा घर में कैसे धौंस जमाते होंगे? ग्रैंडफादर सब पे अपना काम करा के, सबको डांट लगा के। आप अपने हिसाब से इसका आंसर लिखिए, बहुत सारे इसके आंसर हो सकते हैं अकॉर्डिंग टू यू। अगला प्रश्न देखते हैं, शोर। यह एक बहुत ही अच्छी एक्टिविटी है, इसको करिए मेरे साथ साथ, तो मज़ा आएगी आपको। एक मिनट के लिए आंखें बंद करके बिल्कुल चुपचाप बैठ जाओ, ध्यान से आसपास की आवाज़ें सुनो। अब आप आंख बंद करिए अपनी और सुनिए आपकी तरफ किस प्रकार की, आपके आसपास किस प्रकार की आवाज़ें हो रही हैं, और फिर उसके बाद अब आंखें खोलिए। क्या याद है तुमने किस किस की आवाज़ सुनी थी? नीचे उनके नाम लिखो। जैसे आपने कुकर की सीटी की आवाज़ सुनी, मम्मी की आवाज़ सुनी, चिड़िया की आवाज़ सुनी, डोर बंद होने की आवाज़ सुनी, है ना, मोबाइल बजने की आवाज़ सुनी। अब क्या है अगला प्रश्न, इनमें कौन कौन बहुत शोर मचा रहे थे, और इसमें सबसे ज़्यादा शोर मचा कौन रहा था, उनका नाम लिखिए। आप जो आपने सोचा, जो आपको सुनाई पड़ा,
है ना। इस प्रकार से आपका अभ्यास खत्म होता है। एक छोटी सी पहेली है, आइए देखते हैं पहेली क्या है। कागज का घोड़ा धागे की लगाम, छोड़ दो धागा तो करे सलाम। ये क्या बना हुआ है पीछे? पतंग। इसका आंसर क्या है? पतंग। कागज का घोड़ा है, धागे की इसमें हम लगाम लगाते हैं, अगर छोड़ दो तो हमको सलाम करके उड़ जाती है। इस प्रकार से आपका यह अभ्यास खत्म होता है। अगर आपको कोई भी डाउट हो इस अभ्यास में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर पूछिए, और अच्छे से एक्टिविटी करके इस अभ्यास को करिए और लिखिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।